हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इज 10। 17th टर्म को एक्सीड करने पर उसका आंसर 10 आ रहा, फिर उसका टर्म क्या हो जा रहा, 7 हो रहा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले इसके अंदर सॉल्यूशन लेंगे हम। क्या लेंगे, 17th टर्म एक्सीड्स बोल रहा हूँ, 17th टर्म एक्सीड्स। 17th टर्म क्या हो जाएगा, ए 17 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी हो जाएगा, ए प्लस 16 डी। उसी तरह 10th टर्म क्या हो जाएगा, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी। तब क्या करना है, ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम 7 को एक्सीड्स कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। इस तरह इसको टर्म को लेना, दोनों को इक्वेट करना, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 16D इज इक्वल टू क्या बच गया, 9D प्लस 7। 16D इसको इस तरफ ला लीजिए, माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ये दोनों को माइनस कीजिए, 7D इज इक्वल टू 7। डी इज इक्वल टू 7/7, 7 × 7 देयर फॉर डी इज इक्वल टू 1। इस तरह आप इसको सॉल्व कर ले सकते। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।